रखना चाहिए। किस थाने में ले गए सारे एमपी और सीएम को आप, जंगल के थाने में उठा करके? इतना डर 8 साल के बाद राहुल गांधी से क्यों? कांग्रेस यदि खत्म हो गई, राहुल गांधी का कोई मैटर नहीं है, तो फिर डर क्यों? नेपोलियन और चंगेज खां की तरह सरकार मत चलाइए। हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खां और किंग जॉन का इतिहास मिट जाता है नरेंद्र मोदी जी। ईडी का करना है मोदी जी, आप अपने पूरे मंत्रिमंडल की पहले तैयारी करो ईडी के लिए। अमित शाह का बेटा का ईडी में कितना पैसा लिया, उसका करने में क्या दिक्कत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन पप्पू यादव की पत्नी को पुलिस ने जैसे ही हिरासत में लिया, पप्पू यादव का गुस्सा साथ में आसमान पर चला गया। पप्पू यादव भड़क गए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चैलेंज कर दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो बयान सुनिए पप्पू यादव का। बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो किसी इंसान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता? हम तो किसी को माफ नहीं करते। 50,000 रुपया के चलते अपने बच्चों का लाश नहीं ले जा पाया, लाश सड़ गया, पप्पू यादव को जाना पड़ा। लगातार घटना, ये हिम्मत आ कहां से रही है अपराधियों के भीतर? ये स्मैक बेच कौन रहा है? ये शराब बेच कौन रहा है? ये ड्रग्स और कॉरेक्स बेच कौन रहा है? हर बगल में स्मैक, कॉरेक्स, ड्रग्स। बट अमित शाह का बेटा का ईडी में कितना पैसा लिया, उसका करने में क्या दिक्कत है? अरे ईडी से बात करनी हो तो अदानी का करो ना। ईडी का करना है मोदी जी, आप अपने पूरे मंत्रिमंडल की पहले तैयारी करो ईडी के लिए। और बीजेपी को अरबों खरबों दुनिया का कई गुना, कई लाख टाइम ज्यादा पैसा कहां से आया, उसकी जांच करा लो। ईडी करना हो तो निर्भय का करो ना, ईडी करना हो तो मालिया का करो ना। औकात क्यों नहीं होता है जो जिसको भगा दिया उसको लाने की? जो पैसे लेके भाग गए, जो भारत का पैसा, बस उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा यह होगी कि 2024 में इसको चैलेंज कौन करेगा, उसको डराओ। यदि राष्ट्रपति का चैलेंज है तो उसको डराओ। इतना डर 8 साल के बाद राहुल गांधी से क्यों? कांग्रेस यदि खत्म हो गई, राहुल गांधी का कोई मैटर नहीं है, तो फिर डर क्यों? अब क्या लोकतंत्र में गलत चीजों का प्रतिकार और अपना विचार, अपनी बात रखने का राइट नहीं है? आज जो आप रखना चाहिए, किस थाने में ले गए सारे एमपी और सीएम को आप, जंगल के थाने में उठा करके? हिटलर के तरह, नेपोलियन और चंगेज खां के तरह सरकार मत चलाइए। दुनिया जब अपने पर आती है ना, तो बड़ी बड़ी हिटलर, नेपोलियन, चंगेज खां और किंग जॉन का इतिहास मिट जाता है नरेंद्र मोदी जी। जीने दीजिए आम आदमी को। कब तक भगवान और हिंदू मुसलमान का सहारा लेके ताजमहल के नीचे और मस्जिद मंदिर के नीचे, कुतुब मीनार के नीचे बुद्धा उठ बनाइएगा? इसकी सरकार को नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि यह टेंडर अदानी को मिलना चाहिए। वहां के सदन में यह सब बात आई। एक व्यक्ति को दुनिया का नंबर वन बनाने के लिए आप 8 साल लगा दिए, एशिया का नंबर वन बना दिए और आप दुनिया का नंबर वन बनाएंगे? 1-4 में आ गया सिर्फ अदानी। तो आपने सुना पप्पू यादव को। पप्पू यादव का साफ तौर पर कहना है, स्वतंत्र एजेंसियां, जो सरकारी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ईडी हो या सीबीआई हो, अगर केंद्र सरकार चाहती है कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे और भ्रष्टाचार खत्म हो, तो सबसे पहले वो अपने मंत्रियों पर ही जांच बैठाएं। विपक्ष के नेताओं को
तंग ना करे। जैसे ही रंजीत रंजन जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, पप्पू यादव भड़क गए और उन्होंने जमकर खरी खोटी सुनाई केंद्र सरकार को और बड़ा आरोप भी लगाते दिखाई दिए कि कहीं ना कहीं सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर दम है तो अपने नेता और मंत्रियों पर ईडी और सीबीआई की जांच करवाए। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।